संदिग्ध स्थिति में गायब हुए बालक का शव कुएं में पाया गया। प्रारंभिक तौर पर हादसा पतंग के चक्कर में होने का पता चला है। शुक्रवार को पारडी थाने में आकस्मिक मृत्यु का प्रकरण दर्ज किया गया है। डबलियाची वाड़ी निवासी संजीव बोरकर मिस्त्री काम करता है। उसे दो बच्चे थे, बड़ा लड़का आकाश उर्फ अंश था। आकाश 5 जनवरी 2022 की शाम से गायब था। देर रात तक भी वह घर नहीं आया तो संजय की शिकायत पर पारडी थाने में आकाश की आयु कम होने से सर्वोच्च अदालत के दिशा निर्देशों पर अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। इस बीच शुक्रवार की सुबह 8:30 बजे घर के पास ही मोहन राधे श्याम चुंग नामक व्यक्ति के बारदाने गोदाम परिसर में बने कुएं में आकाश का शव मिला। उसके हाथ में मांजा था। इससे माना जा रहा है कि आकाश पतंग और मांजा पकड़ने के चक्कर में कुएं में गिर गया और उसकी मौत हो गई। पोस्ट पुलिस स्टेशन पारडी के अंतर्गत भांडेवाड़ी है, वहाँ डबलेवाड़ी में संजय बोरकर एक किराए से रहते हैं। इनका जो छोटा बड़ा लड़का है आकाश उर्फ अंश, ये शाम को पतंग खेल रहा था 5:30 बजे के दरमियान। बाद में अपने छोटे भाई के साथ कुछ पतंग पकड़ने के चक्कर में इधर उधर मोहल्ले में ही घूम रहा था और छोटा भाई भी घर में वापस आ गया, लेकिन बड़ा वापस नहीं आया तो माँ बाप उनके ढूंढने लग गए। तो ढूंढने के बावजूद भी नहीं मिलने के बाद पुलिस स्टेशन में कल हम 6 तारीख को 363 IPC गुना दाखिल किए और कल जोन 5 सर के मार्गदर्शन में हम पूरा दिन भर नाग नदी है, उधर की जो कुएं है, गटर लाइन है, सभी ढूंढे, लेकिन कहीं भी वो लड़के का पता नहीं चला। लेकिन आज सुबह वो उनके जो मृतक के पिताजी है संजय बोरकर, उनके घर के बाजू में ये गोडाउन है, गोडाउन जैसा घर है, वहां पे कुआ है, वो कुएं में ही इनकी बाड़ी डेड बॉडी मिल गई। तो ये कैसा लगता है कि ये पतंग पकड़ने के चक्कर में ही वहाँ गिर गया होगा और उसकी बाड़ी हमने ताबे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए है। जैसे जब बच्चा बाहर निकाला तो हाथ में मांजा था ऐसा सुना है? हाँ, उसके हाथ में मांजा दिख रहा है पतंग उड़ाने का, तो वही मांजा कटी पतंग पकड़ने के चक्कर में वो गिर गया होगा ऐसा लग रहा है। तो नागपुर शहर पुलिस दल के तरफ से विनंती है कि आपके बच्चों को आप संभालो, उनको मार्गदर्शन करो, कोई भी ऐसी प्राणहानि ना हो, क्योंकि छोटे बच्चे पतंग पकड़ के चक्कर में स्लैब से गिर जाते हैं, खड्डे में गिर जाते हैं, कुएं में गिर जाते हैं और जो रोड पे आ जाते हैं जहां उनको चार चाकी या टू व्हीलर से एक्सीडेंट होके प्राणहानि हो सकती है। और नागपुर शहर के माननीय पुलिस आयुक्त सर ने 1 महीना पहले ही हमको सभी सूचना दी है, तो हम नायलान मांजा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहे लेकिन आप अपने बच्चों को अच्छे से समझाएं, कहीं भी स्लैब के ऊपर ना पतंग उड़ाए या कहीं कुएं के पास या खड्डे के पास ऐसे पतंग ना उड़ाए जिसके वजह से प्राणहानि हो, या आप समझाएं अपने छोटे बच्चों को। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपुर।